पहले तो बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपके एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिल रहा है सो में मुझे लग रहा है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी में कल एक बड़ा मूव देखने को मिला और 47,000 के ऊपर बैंक निफ्टी अभी भी ट्रेड कर रहा है, तो कॉल रेटर्स काफी फंसे हुए हैं। इवन 21,000 के जो निफ्टी के कॉल रेटर्स है वो भी अपने कॉल की पोजीशंस को बचाने में हो सकता है आज या कल के सत्र के आसपास शॉर्ट कवरिंग नजर आए, तो मुझे लग रहा है सेकंड हाफ में आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जहां तक निफ्टी की बात है 20,850 20,900 जब तक ये नीचे के लेवल नहीं टूटते ऊपर के जोन आपको देखने को मिल सकते हैं 21,150 तक मुझे लग रहा है निफ्टी एक्सपायरी तक जा सकता है। तो अगर नीचे मिलता है 20-30 पॉइंट या किसी वजह से मार्केट नीचे आता है यूरोपियन मार्केट ओपन होने के बाद तो वहां पे बाई करने की सलाह रहेगी, 20,900 का स्टॉप लॉस रहेगा, 21,100 21,150 तक मुझे लग रहा है निफ्टी जा सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज क्या रहेंगे आप पे, कुछ ट्रेड्स निकाले हैं क्या आपने? देखिए दो स्टॉक्स हैं जो अभी भी अपने हाई से काफी दूर है, पिछले बार भी बात यही हुई थी जो स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से दूर है उनमें अभी भी पोटेंशियल है। तो पहला स्टॉक होगा बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में मुझे लग रहा है एक रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला है, 1600 के ऊपर कंटिन्यूस ट्रेड भी कर रहा है, तो 1655 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करें और 1740 का टारगेट रहेगा। ये स्टॉक मुझे लग रहा है एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए तैयार है। और दूसरा स्टॉक अगेन फर्टिलाइजर स्पेस से रहेगा, आज काफी स्टॉक्स काफी बुलिश मूव्स दे रहे हैं, उसमें से चंबल फर्टिलाइजर ने अब तक कोई बड़ा परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है, तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है करंट लेवल से अच्छा कर सकता है, 341 का स्टॉप लॉस लगाएं और 365 तक मुझे लग रहा है ये स्टॉक जा सकता है।